सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सुपर बोस्ट। तो गाइस, आज मैं रिएक्शन देने आ रहा हूँ बकोनो पीको की ओपनिंग्स पे, जो कि गाइस 2006 में आया हुआ एक एनीमे सीरीज है, जो कि गाइस एक हेंटाई की कैटेगरी में आता है। मतलब कि एनीमे के बहुत तरीके की कैटेगरीज होती है, शोनन एनीमे और भी बहुत बहुत तरीके के होते हैं। तो एक उसी की एक कैटेगरी होती है, एक हेंटाई, यानी कि वो जो एडल्ट एनीमेज होते हैं, जो कि मतलब कि एडल्ट ऑडियंस को टारगेट करके बनाए जाते हैं। लेकिन इस एनीमे में बहुत ज्यादा अलग चीजें हैं। मतलब ये एनीमे में आपको बहुत चीजें अलग देखने के लिए मिलेंगी। मतलब ये एडल्ट से भी थोड़ा अलग हटके देखने के लिए मिलेगा, जो कि शायद ही कोई देखना चाहता होगा। और अगर किसी को नहीं पता कि बकोनो पीको और हेंटाई क्या होते हैं, तो भाई साहब आप बहुत सही जगह पर जा रहे हो। मतलब बहुत सही डायरेक्शन है तुम्हारी। और गाइस, इस एनीमे से रिलेटेड एक फन फैक्ट ये है कि जो फुल मेटल अल्केमिस्ट जैसा ग्रेट एनीमे है, मतलब ग्रेटेस्ट एनीमे है, उसको बनाने वाला और क्या कहते हैं बकोनो पीको को बनाने वाला क्रिएटर सेम ही है। मतलब कि ये कैसे हो सकता है। और गाइस, इतना ही नहीं, इनके जो डायरेक्टर है, जो भी इनके डायरेक्टर का नाम है, इन्होंने डायनासोर किंग जैसा बहुत बेहतरीन एनीमे बनाया हुआ था, जो कि पर्सनली मेरा फर्स्ट एनीमे था, जो कि गाइस मैं मतलब कि उसको आज भी नहीं भूल पाया। मेरा फेवरेट एनीमे था डायनासोर किंग, जो कि गाइस इसी के डायरेक्टर ने बनाया था। तो आप देख सकते हो कि कोई आदमी कितना ज्यादा ऊपर उठ सकता है। और गाइस, इसके प्लॉट की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो लड़का है वो लड़का है, और जो लड़की है वो भी लड़का है, वो आपको इस एनीमे में देखने के लिए मिलेगा। तो बस ये छोटा सा ही प्लॉट है। और इसकी स्टोरी में मेरे को तो कुछ ऐसी कुछ खास बात दिखी नहीं, जो कि मेरे को आपको बतानी चाहिए। बाकी बकवास स्टोरी थी। और एनिमेशन नेचुरल हाई ने बनाया हुआ है इसका एनिमेशन, जिसका सिर्फ एक ही एनिमेशन दिख रहा है। मतलब कि नेट पे सर्च करने के बाद नेचुरल हाई का बस एक ही एनीमे दिख रहा है। तो हो सकता है इसको बनाने के बाद वो बंद हो गया हो। तो गाइस, आते हैं आप इस एनीमे पे। तो गाइस, पहले इसकी ओपनिंग देखते हैं, बाकी सारा डिस्कशन रिव्यू बाद में करते हैं। पीको देखते हैं चलो। बल्कि इसकी ओरिजिनल ओपनिंग जैपनीज वर्जन में तो मेरे को मिली नहीं, तो मेरे को एक इंग्लिश में मिल गई थी, तो मैंने सोचा इस पे रिएक्शन दे देना चाहिए। तो दे ही देते हैं। बैंड म्यूजिक आवाज आ रही है हल्की हल्की। ऐसा कुछ नहीं है एनीमे में जैसा दिख रहा है। बहुत कुछ अलग देखने के लिए मिलेगा। इंग्लिश में तो अच्छी लग रही है, सिर्फ ओपनिंग। क्या ही बताऊं इस एनीमे के बारे में। बल इसकी ओपनिंग भी बहुत बड़ी है, 5 मिनट के आसपास ही है। इंग्लिश कवर तो अच्छा लग रहा है, और जो ओरिजिनल होगा वो तो और भी ज्यादा बेस्ट होगा। एवरेज लग रहा है, इतना कुछ खास भी नहीं है। इसकी तो ओपनिंग भी छुपानी पड़ी। पर 2006 के हिसाब से इसका एनिमेशन उतना बुरा नहीं है, जो कि नेचे भाई ने बनाया है। ये
ये मीम बहुत ज्यादा वायरल है इसका। इसके सारे जितने भी है ना, मैंने सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी मीम में देख रखे हैं। कितनी बड़ी ओपी है। ये सारे पांच मिनट की ओपनिंग। क्या बोलो बकवास की। सो वेल गाइज, इस ओपनिंग के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने इसकी ओपनिंग जो ओरिजिनल ओपनिंग थी वो तो मैंने कभी नहीं सुनी। वेल मैंने बहुत पहले सुनी थी जब मैंने ये एनीमे देखा हुआ था, क्योंकि मतलब बहुत पहले देखा हुआ था, मतलब कि एक समय ऐसा आया था इंडिया में कि बहुत ज्यादा हर कोई इसी के ऊपर मीम्स बना रहा था, हर कोई इसी को वायरल करने में लगा हुआ था पता नहीं क्यों। और गाइज ये एनीमे उस समय ज्यादा चर्चा में आया जब पता पड़ा कि इसकी एक लाइव एक्शन मूवी बनने वाली है, जो कि गाइज 2015 की बात है। मतलब कि गाइज मैं बता नहीं सकता, लोग पागल हो चुके थे। मतलब जिस समय आज लोग पागल हैं अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 की हाइप के लिए, उस समय लोग पागल हो चुके थे कि ये क्या हो रहा है दुनिया में, कहीं दुनिया तबाह तो नहीं होने वाली है कि एक तो इतना घटिया एनीमे ऊपर से इसको मतलब इसकी लाइव एक्शन मूवी भी बनाई जा रही है, ये कैसे पॉसिबल है। तो गाइस उस समय ये एनीमे इतना ज़्यादा मतलब कि इसके मीम्स बने, मतलब हर कोई इसके मीम्स बनाता था, जो जो पॉपुलर एनीमे थे उनके भी आपको मीम्स देखने के लिए मिलेंगे, कि मतलब अटैक ऑन टाइटन जैसे पॉपुलर एनीमे के भी मीम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, कि वो भी लोग कितने परेशान थे कि जब इसकी लाइव एक्शन मूवी बनी। तो गाइस मेरे को भी जब ही पता पड़ा था इस एनीमे के बारे में कि इसकी एक एनीमे ऐसा है जिसकी लाइव एक्शन मूवी को कोई नहीं चाहता कि वो बने। और गाइज इसकी लाइव एक्शन के बारे में, वेल गाइज मैंने तो जो भी सुना था वो सब आपको बता ही दिया है कि इसकी लाइव एक्शन मूवी बनने वाली थी और वो अनाउंस भी हुई थी। वेल गाइज उसके बाद मेरे को कुछ नहीं पता कि इसकी लाइव एक्शन मूवी बनी या नहीं बनी, और बनी तो फिर कहाँ, मतलब जापान के अलावा और कहीं रिलीज हुई या नहीं हुई। वेल अगर किसी को आपको आप में से किसी को पता हो ये बात तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा जिससे कि सबको बारे में पता पड़ जाएगी। और यदि अगर ऐसे फैक्ट्स आपको भी पता है इसके बारे में तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और गाइस इसी सबकी वजह से ये एनीमे इंडिया में भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। एक समय ऐसा भी आया था कि हर यूट्यूबर इससे रिलेटेड वीडियोस बनाए जा रहे थे। तो गाइस इसलिए मेरे को इसकी ओपनिंग के बारे में तो नहीं पता। वेल गाइस ये कोई ओपनिंग नहीं है इसकी, ये तो एक इंग्लिश कवर है जो किसी ने गाया हुआ है, जो कि बहुत मुश्किल से मिला हुआ है इंडिया में, जो कि मतलब कि मिल नहीं रहे थे, और मिल भी रहे थे तो वो इंडिया में अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए मेरे को यही मिला। वेल गाइज ये एनीमे मैंने बहुत पहले देखा था, और गाइज ये मेरे फ्रेंड ने रिसेंट पे देखा हुआ था तो उसने बहुत ज्यादा रिकमेंड करा कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो भाई गाइज फाइनली मैं वीडियो लेकर के आ गया हूँ, आपको शेयर करूँ। तो गाइज इस एनीमे की एनिमेशन की बात करूँ तो गाइज ये 2006 में आया हुआ था ये एनीमे, और इसका एक एपिसोड 13 मिनट्स का है, और गाइज इसमें चार एपिसोड देखने के लिए मिलेंगे, जो कि चार ही काफी है आपकी लाइफ बदलने के लिए इस एनीमे को देखने के लिए। ओवीए भी है, जिसको वो ओवीए पढ़ने हो और ये इस एनीमे से रिलेटेड इंटरेस्टेड हो तो जाके इसकी ओवी भी पढ़ सकते हो। तो गाइस 2006 में जैसे कि मैंने बताया इसका एनीमे आया हुआ था, तो गाइस उस हिसाब से उतना बुरा एनिमेशन है नहीं है इसका, मतलब एनिमेशन भी ठीक ठाक काम चला हुआ है। और गाइस जो सबसे बुरी है वो है इसकी स्टोरी, जो कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, मतलब कि इतनी बकवास स्टोरी है, और जो इसका जो प्लॉट है, मतलब कि जो इसके कैरेक्टर्स हैं जिनको मतलब कि कुछ मतलब ही नहीं है दीन दुनिया से, मतलब कि कोई भी आके कुछ भी कर रहा है,
मतलब कि बकवास स्टोरी लगी मेरे को उसकी। और अभी भी कितने सारे मीम्स आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जिसमें कि बकोनू पीको के ये दो कैरेक्टर्स तो जरूर ही देखने के लिए मिलेंगे। वेल गाइस, आप इन कैरेक्टर्स पे मत जाना बिल्कुल भी, मतलब कि जो स्टोरी दिखती है वो ऐसी है नहीं है, मतलब कि आपको देखने के लिए मिलने वाला है ये आप खुद ही देखिए। अगर आपको देखना हो तो वेल मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, आप जाकर के कुछ भी ऐसा कुछ देखें, आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है। और गाइज, ये एनिमे कितना ज्यादा ग्रेट है आप उसका इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी IMDb में 3 की रेटिंग है। वेल गाइज, मैंने अभी तक कोई ऐसा एनिमे नहीं देखा, मतलब कि दूर दूर तक मैंने किसी से कहते हुए नहीं सुना कि किसी एनिमे की मतलब 7 से भी कम रेटिंग है, क्योंकि अधिकतर एनिमेस की रेटिंग आप 8, 9, 10 थोड़ा ज्यादा हो गया, 8 और 9 के बीच में देखने के लिए मिलती है। इनफैक्ट अटैक ऑन टाइटन तो कुछ अलग ही लेवल का है, वो तो कुछ ज्यादा ही रेटिंग पे लेके आता है। तो गाइज, मैंने तो अधिकतर इसी टाइप के एनिमेस देख रखे हैं जिनकी रेटिंग इतनी ज्यादा होती है। और गाइज जो सबको इरिटेट करती है वो चीज ये है कि गाइज ये एक हेंटाई से भी एक अलग हटके है, मतलब कि आप एक पल के लिए हेंटाई भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन इस एनिमे में कुछ हेंटाई को भी एक अलग इस नजरिए से दिखाया हुआ है कि आप हेंटाई को भी दोबारा कभी नहीं देखोगे। क्योंकि गाइज, एक हेंटाई में सिंपल सीधा प्लॉट होता है, लेकिन इसमें जहां जहां ट्विस्ट आते हैं वो बहुत ही ज्यादा बेकार है। फिर भी यदि अगर आपको ये एनिमे देखना है तो आप देख सकते हो। तो गाइज, आज की वीडियो बस इतनी। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे।